मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया जब यहाँ MBBS की पढ़ाई हिंदी में शुरू हो रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में MBBS प्रथम वर्ष की हिंदी में तैयार पाठ्यक्रम पुस्तकों का विमोचन किया। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज का दिन भारत के शिक्षा क्षेत्र के लिए अविस्मरणीय दिन है, जिसे स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशानुसार अब मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी। इस संकल्प को देश में पहली बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चौहान ने पूरा किया, जो बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने उद्बोधन में कहा कि अंग्रेजी में कमजोर छात्र भी अब मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कर पाएंगे। आज का दिन अंग्रेजी की गुलामी से मुक्त होने का दिन है। हिंदी की पढ़ाई से नया प्रकाश होगा और एक सपना पूरा हुआ, जब मध्य प्रदेश के छात्र ऊंचे आसमान में लंबी उड़ान भरेंगे। उन्होंने कहा कि मेडिकल की पढ़ाई करने वालों की अलग से मेरिट बनेगी। इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने स्वागत उद्बोधन किया। जिला स्तर पर अब देश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के शंभुनाथ शुक्ला सभागार में भोपाल से प्रसारित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि मातृभाषा हमारी ऊर्जा का केंद्र बनती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कक्षा 1 से 5 तक का पाठ्यक्रम हिंदी में पढ़ाया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव काल में मध्य प्रदेश हिंदी में चिकित्सा पाठ्यक्रम लागू करने वाला पहला राज्य बना है। चिकित्सा का ज्ञान मातृभाषा में मिले, यह मुख्यमंत्री का साहसिक कदम है, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। अपनी भाषा में सीखी गई चीज बोधगम्य होती है और इससे भावनात्मक लगाव होता है। इस अवसर पर विधायक देवधर श्यामलाल द्विवेदी भी उपस्थित रहे। विश्वविद्यालय परिवार द्वारा अतिथियों का साल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। कुल सचिव सुरेंद्र सिंह परिहार ने स्वागत उद्बोधन दिया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर दिनेश कुशवाहा ने किया। कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन डॉक्टर महेश चंद्र श्रीवास्तव द्वारा किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक, जनप्रतिनिधि, अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह, डिप्टी कलेक्टर संजीव पांडे, तहसीलदार यतीश शुक्ला सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। जिले के सभी शिक्षण संस्थाओं में भोपाल से प्रसारित कार्यक्रम को देखा व सुना गया।